हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जब मैंने बनाया था, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तब अनफॉर्चुनेटली इसका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए अब मैं इसमें बैकग्राउंड साउंड दे रहा हूँ, बैकग्राउंड वॉइस दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.6 डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, इसका पहला प्रॉब्लम डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये कॉन्सेप्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, नीचे आप देख सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जब इन्हें कंपेयर करेंगे तो पी आ रहा है टू और क्यू आ रहा है साइन एक्स। ओके, हमें पता है जो पी और क्यू है, दीज आर फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन और दे मे बी कॉन्स्टेंट। अब सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, विच इज ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। ये हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रल 2dx, 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल 1dx x आएगा, मीन्स यू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज e टू द पावर 2x। ओके, आफ्टर दिस वी मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। दिस गिव्स यू y e रेस टू 2x, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल q आपका साइन x है और इंटीग्रेटिंग 2 रेस टू e रेस टू 2x है, सो यू गेट e रेस टू 2x इंटू साइन x dx। ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल को u लो, ट्रिग्नोमेट्रिक को v लो, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक को u लो, एक्सपोनेंशियल को v लो। वैसे ये साइक्लिक प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे। वी टेक आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस्ट टू 2x साइन x dx, जिसमें मैं एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट टू 2x को u ले रहा हूँ और साइन x को v ले रहा हूँ। ध्यान रहे इसमें दो बार u इंटू वी अप्लाई होगा, आगे भी हम ई रेस्ट टू 2x को u लेंगे और साइन x को v। अप्लाई किया, वी गेट ई रेस्ट टू 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x विच इज माइनस कॉस x माइनस ई रेस्ट टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेस्ट टू 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन x आएगा कॉस x dx। दिस गिव्स यू माइनस ई रेस टू 2x कॉस x माइनस माइनस प्लस 2 बाहर इंटीग्रल ई टू द पावर 2x कॉस x dx। एक बार फिर u इंटू वी आ रहा है, ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल को u लिया था, ट्रिग्नोमेट्री को v लिया था, तो यहाँ पे भी हम एक्सपोनेंशियल को u लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री जो कि अब cos x है उसे हम v लेंगे। ओके, क्लियर। आगे प्रोसीड करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस ई टू द पावर 2x cos x प्लस 2 ब्रेस ब्रैकेट। आपको पता है u इंटू वी में दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए ब्रेस ब्रैकेट दिए हुए हैं। वी गेट u मतलब ई रेस टू 2x एज इट इज cos x का इंटीग्रल sin x माइनस इंटीग्रल 2 ई रेस टू 2x जो कि ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव है, एंड अगेन cos x का इंटीग्रल sin x आएगा। क्लोज द ब्रेस ब्रैकेट, दिस इज माइनस ई रेस टू 2x cos x प्लस ब्रेस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 दोनों के लिए कॉमन है, वी गेट 2 ई रेस टू 2x sin x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एक 2 ब्रेस ब्रैकेट के बाहर है और एक इंटीग्रल के अंदर 2 है, तो ये 2 और 2 4 हो गया, यू गेट माइनस 4 इंटीग्रल ई रेस टू 2x sin x dx। ये तो आपका आई है। ओके, हमने क्या किया, ब्रेस ब्रैकेट ओपन किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है, पहला पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव तो नेगेटिव, और 2 2 4। वी गेट आई इज इक्वल टू जो पहले दो टर्म्स है वहां से e टू द पावर 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स आएगा, एंड नेक्स्ट पार्ट आपका माइनस 4 आई हो गया। इक्वेशन 2 आप देख सकते हो, 4 आई को आप आर एच एस में लेके आओ, यू गेट 5 आई इट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्म 2 साइन एक्स पहले लिखा और जो कॉस एक्स नेगेटिव टर्म है उसे बाद में लिखा। दिस गिव्स यू आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये आ गया इसका आंसर, इसे हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, वी गेट y e टू द पावर 2x इट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। ओके, पूरा सॉल्व करने के बाद ये जनरल सोल्यूशन आ गया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें आप देख सकते हो पावर 1 है और लास्ट में आंसर में प्लस सी एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ रहा है, सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, सॉल्व करने के लिए पहले हमने से कंसिडर किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में, पी और क्यू क्या है वो हमने लिखा। वी फाउंड द
इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन सॉल्यूशन, जिसमें हमें आगे यू इन टू वी रूल मिला, और यू इन टू वी रूल में भी हमें पता है कि ये साइक्लिक है, तो हमने उस हिसाब से प्रोसीड किया एंड फाइनली वी गॉट द सॉल्यूशन. प्लीज़ नोट इट डाउन.